नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम सीधी बात संतों के साथ। जी हां दर्शकों, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आपको बताया जाता है कि किस तरह का होता है संतों का जीवन। हमारे समाज में आज के समय में तरह तरह की भ्रांतियां फैल चुकी है संतों के जीवन को लेकर, लेकिन हमारा ये कार्यक्रम आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि संतों का जीवन आज भी वैसा है जैसा आदि अनादि काल में होता है। और इसी बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महायोगी पायलट बाबा जी। गुरु जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। गुरु जी, अगर सबसे पहले हम आपकी बात करें, आप एक पायलट थे, पढ़ाई लिखाई कर पायलट बनना और उसके बाद अध्यात्म के इस जीवन को अपनाना, क्या कारण रहा और कैसा रहा आपका सफर, जानना चाहूंगी। मैं एयरफोर्स का पायलट था जी। ऑर्गेनिक से एमएससी करने के बाद मैं बेटा वायुसेना में गया था आपको, और बड़ा अच्छा पद विंग कमांडर के पद पर गया बेटे, जिसमें होता है पायलट अफसर, फ्लाइंग अफसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर। एक बड़ा पद होता है, स्टार मिल जाता है बेटा, फ्लैग मिल जाता है। वहाँ रह करके हमने आपको छोड़ दिया है। हमने इंदिरा के साथ काम किया है, हमने बहुत लोगों के साथ, हमने मुरारी देसाई को जानते हैं, ऐसा देश का कोई प्राइम मिनिस्टर नेहरू के साथ हम देखे हैं। हम नेहरू से लेकर आज तक से ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसको मैं नहीं जानता हूँ, जिनके साथ दो चार मिनट न बीते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हमें अभिमान को ले जाता है, शायद मुझमें भी कमी आ गई होगी, मुझमें भी जितेंद्र से आ गया, बहुत बहुत बड़ा आदमी हूँ, बड़े पद पर हूँ, तो वो अभिमान ने मुझे साधु संतों ने चोट मार दिया कि दुनिया में तुम ही विद्वान नहीं हो, दुनिया में तुम ही महान नहीं हो, तुमसे बड़े लोग होते हैं। ऐसे संत महात्मा हमारे इस पृथ्वी पर हैं बेटा, है हमारे हिमालय में हैं, जो हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं और संसार से कुछ लेना देने, अशरीरी बन गए हैं। शरीरी थे, शरीरी तपस्या करते करते अशरीरी बन गए हैं, उनका शरीर कहीं बैठा हुआ है और सूक्ष्म शरीर में कहीं जा करके बेटा घूम भ्रमण करते हैं। वही लोग हमें आपको जब मुसीबत पड़ जाती है, ज्यादा कदा हमारे आपके संस्कार अच्छे होते हैं तो उसको सहायता करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ बेटा, अनेकों बार एक महात्मा कभी एक्सीडेंटल जीवन में हम जा रहे हैं तो आकर रोक देते हैं, हम हिम्मत करो जी, हिम्मत जाओ, हिम्मत फ्लाई करो। और जब उनकी बात में मन जाता था तो उसकी प्राइस 2 रुपये लेते थे बेटा जी। अगर उनकी बात में नहीं माना तो एक्सीडेंट कर जाता था, और एक्सीडेंट करते वक्त आकर बचा लेते थे, फिर मना किया था ना जी, ला 2 रुपये दो, उनका मूल केवल 2 रुपया था उससे बचाने के लिए। उस पर ऐसे बेटा 66 में हम नेफा में फ्लाई कर रहे थे, मीग था, रशियन के लिए मीग था, तो हम भी खराब हो गया, तो मन में आया कि अब तो हम गए पहाड़ों में, हिमालय के पहाड़ियों में मर जाएंगे, क्रश कर जाएंगे। लेकिन मेरा मन जो आंतरिक मन था उसने कहा कि नहीं, तुम्हारे पास बल है, ताकत है, तुम बच सकते हो। हमने कहा ठीक है, अगर आत्मा कह रहे कि हम बच सकते तो चलो मीग को बचाया जाए, अपने आप को बचाया जाए। तो जब मन आत्मीयता से जुड़ जाता है तो बेटे हमारा मन आत्मीयता दिव्यता से जुड़ जाती है। आसपास में कोई दिव्य व्यक्ति होता है वो देखता है, हम अपने देख पाते हैं, तो वो लोग हमें बचा देते हैं। तो ऐसे एक महात्मा हमारे कॉकपिट में घुस गए, आसमान में बेटा 35-40,000 फीट की ऊंचाई पर वो कॉकपिट में धीरे धीरे अपीयर हुए, और प्लेन को इतना स्मूथ फ्लाई करा करके डिटेक्ट करके सफर करके लैंड कर दिए, और लैंड करके सबके सामने उतर गए, सबसे मिले, आप अफिसर वो अफिसर सबसे मिले, हाथ मिलाए, हाई के कह के डॉन पर आपके प्लेन नीचे आ गया। भाई तुम कौन हो? कोई आंसर नहीं। ये कहाँ से आ गए? मैं कह हमको भी नहीं पता कहाँ से आ गए, आसमान में आ गए, कौन है क्या है मैं इनका परिचय नहीं जानता, लेकिन जानता हूँ पहले से। तो मैंने सोचा बेटा कि इस जीवन तो मेरा तो है नहीं, उस मैंने एयरफोर्स में मैं इंदिरा जी को जानता था, इंदिरा जी से रिक्वेस्ट किया कि मैं एयरफोर्स छोड़ना चाहता हूँ केवल इस काम के लिए, अगर मैं तपस्या में भजन में आध्यात्म में नहीं सफल तो मैं आ जाऊँगा देश सेवा कर। मैं 65 की लड़ाई लड़ा था, मैं 71 का लड़ा था, मैं गोवा फ्रीडम लड़ा था, मेरे को अनुभव था। सर हिमालय में चले गए, जैसे वैद्य जी ने कहा हिमालय में बेटा 16 साल मैंने बिताया है एकदम सक्षम अकेला, कि बिना साधन के बेटा, न वस्त्र, न जूते, न चप्पल, न कपड़े, न साल, न भोजन, कैसे रहा हूँ, कौन सी शहरी व्यवस्था में ले गई, कहाँ ले गई, वो सब बहुत बड़ी अनुभूति है बेटा जीवन की। संतों के बीच में रहा, महान दिव्यात्माओं के बीच में रहा, फिर 86 में उन लोगों ने कहा कि आप जाओ, आपका
कर्म क्षेत्र हिमालय नहीं है, आपका कर्म क्षेत्र आपका देश है। आप देश से प्रेम करते हो या उनको गाइड कर बैठे हैं आगे बैठे, और तब से आज तक 40 वर्ष हो गए बेटा हम विश्व में। गुरु जी, एक ऐसा जीवन जहाँ आप पायलट थे और एक ऐसा जीवन जहाँ आप हिमालय में कई वर्षों के लिए बिल्कुल एक गुमनाम जिंदगी जी रहे थे, तो क्या अंतर आपको उस जिंदगी में और उस जिंदगी में लगा, जानना चाहूंगा। सब जगह वो व्यवहारिक सुख था, एयरफोर्स की जिंदगी व्यवहारिक प्रैक्टिकल सुख था बेटा, ये आत्मीय सुख। यहाँ इन चीजों का महत्व घट जाता है, यहाँ स्वयं का महत्व होता है, वहाँ आत्मीय सुख होता है। कोई माने ना माने, कोई खाए ना खाए, कोई मतलब नहीं है। आपको जो सुख मिलता है वो सुख संसार में नहीं मिल सकता बेटा। और हम वही व्यक्ति हैं, हम लोग वही व्यक्ति हैं। परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन केवल मन और आत्मा को दूरी में हो जाता है कि हम मन से संसार में रहते हैं और आत्मीय अवस्था में जा करके अपने आप में रहते हैं। हम कहीं भी रह सकते हैं, आज लाखों लोगों के बीच में हम रहते हैं बेटा, दुनिया के लोग जाते हैं, आधुनिकता से रहते हैं, आधुनिक लोगों से मिलते हैं, महीने में दो चार बार इधर उधर फ्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था बेटा, निर्जीव शून्य बर्फों के बीच में आपको लेटना सुनना, लेकिन दैविक कृपा, उसकी हम कल्पना भी नहीं करते। करते हैं कहते हैं हमने कैसे रहा है वहाँ, तो याद आता कि हाँ ऐसे पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं, हमारे देश में हिमालय में ऐसे संत महात्मा हैं जिनकी कृपाएँ होती हैं जो हमें आपको वो रास्ता दिखाते हैं। जी, तो एक ऐसा जीवन जीना जहां आप एक एयरफोर्स में पायलट थे और एक ऐसा जीवन जीना जहां आप अध्यात्म से जुड़ गए, जहां आपने अपने आप को अध्यात्म में समर्पित कर दिया, ध्यान में अपना जीवन लगा दिया, हिमालय में अपना जीवन बिता दिया। बहुत ही खूबसूरत बात है यहां पर कि एक पल में वो जिंदगी बदल गई, जब विचार आया मन में कि अब मुझे ये जिंदगी नहीं बल्कि एक अध्यात्म की जिंदगी जीनी है। गुरु जी, आगे अगर बात करें, कई वर्षों से आप समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, देश में भी कर रहे हैं और विदेशों में भी जाते हैं, तो गुरु जी विदेशों में भी आप सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और देश में भी, तो क्या फर्क आपको दोनों जगह नजर आता है? तो विदेश के लोग ज्यादा जुड़ते हैं या दोनों जगह मन है बेटा? जी, मन हमेशा भौतिकवादी होता है, मन हमेशा शरीर के लिए काम करता है, संसार के लिए काम करता है। देश चाहे विदेश हो, मनुष्य तो एक ही है, सभ्यताएं अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, लेकिन मन वैसा ही है, मन वही है, वही आधुनिकता है जो आज का भारत जहाँ जा रहा है वो 200-400 वर्ष पहले चले गए हैं। इसलिए उनके यहाँ की वह संस्कृति जो 2000 वर्ष थी वो खत्म हो चुकी है, वो अति आधुनिकता में जुड़ गए हैं और उनका मन इतना ऊंच कोटि का वैज्ञानिक हो गया है कि वो आत्मीय अवस्था को विश्वास करता है। उनकी जितनी फिलॉसफी है बेटे वो मन की फिलॉसफी है, हमारी यहाँ की जितनी दर्शन शास्त्र है वो आत्मा के दर्शन शास्त्र है। हम ईश्वर को मानते हैं और आत्मा को मानते हैं, वो नहीं मानते हैं। उनके यहाँ 2000 वर्ष पहले जीसस के ज़माने में ईश्वर था आपको, लेकिन उसके बाद है उनका विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, उनके मन को अलग कर दिया है, आत्मीय जगत से अलग कर दिया है। गुरु जी, आपने कई देशों में भ्रमण किया है, विदेशी आपके बहुत सारे भक्त हैं, अनुयायी बहुत सारे आपके विदेशी हैं, ऐसी कौन सी बात है कि विदेशी अनुयायी हैं जो लगातार आपसे जुड़ते जा रहे हैं? तनाव से मुक्ति बेटा जी, वो जो जीवन स्कूल कॉलेज में प्राप्त किए हैं, जो नौकरी करके प्राप्त कर रहे हैं, उसमें तनाव युक्त है, उनसे प्रेम छिन गया है, भोग है लेकिन रिश्ता नहीं है, तो उसके टूट जाने से उनमें अलगाव आ गया, बच्चे अलग हो गए हैं, माता पिता अलग रहना चाहते हैं, अकेलापन जाना चाहते हैं, इसलिए उनमें एक कहता है कि पारिवारिक संबंध सभ्यता टूट जाने से, अलगाववादी हो जाने से तनाव है। गुरु जी, आगे अगर बात करें आपकी किताब की, नदी नारी और न्याय, ये किताब आपने जो लिखी है, क्या कारण है इस किताब को लिखने का? सबसे पहले जानना चाहिए मतलब एक आज की सामाजिक व्यवस्था के विद्रोह है कि हम जिनको माता कहते हैं, हम जिनको देवी कहते हैं, उनका हम शोषण करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता देख करके कि आज भी हमारे देश में लड़कियां आपको दहेज प्रथा के लिए जलाई जाती हैं, आज भी लड़कियों के साथ औरतों के साथ बलात्कार होता है, तो सुनकर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एक विद्रोही भाव आया कि क्या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था इसको सुधार क्यों नहीं सकती, जबकि वो भी किसी माता पिता के, किसी माँ के संतान है, वो भी किसी के भाई हैं, किसी के बहन है, फिर उनके अंदर ये भाव क्यों नहीं आता है, ये दुष्कर्म उनके अंदर क्यों आते, इसको विद्रोह करने के लिए मैंने लिखा है बेटा,
और सम्मेलन करके चर्चा इसे कराना चाहता हूँ कि आओ हम सम्मिल करके नारियों का सम्मान करें, नारियों को आगे बढ़ाएं। वो हमारी माँ है, उसको हर बहनों को अपनी बहन समझे, हर लड़कियों औरतों को अपनी माँ समझे, तो एक ऐसी समान दृष्टि आ जाएगी बेटा कि हम शायद जैसा हमारा पुराण शास्त्र कहता है तो हमारे देश में सीता द्रौपदी आदि के हम संतान हैं, तो हम उनके तरह लक्ष्मी को मानते हैं, दुर्गा को काली के मानते हैं, वैसे हम अपने माता बहनों को मानने लगे तो हमारा देश सुधर जाएगा। और नदियों का जो शोषण हम किए ना बेटा, नदियाँ सारी सूख गई हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं 2000 वर्ष पहले के इतिहास में, गंगा यमुना और सब नदियाँ कितनी कावेरी सब कितनी शलीनता से, तो आज वो सब सूख जा रही हैं। तो अगर भारत देश जो है क्या इन नदियों को एक साथ मिलाने की कोशिश करता है और इसका पानी उपयोग में करता है तो देश की रक्षा हो सकती है बेटा, देश का विकास हो सकता है, कृषि में विकास हो सकता है। इसलिए अन्याय तो सबसे बड़ी चीज़ है बेटा, अन्याय भी आज बिक गया है, न्याय भी आज स्वार्थी हो गया है। न्याय न्यायविद है, अपने को ज़्यादा बुद्धिजीवी समझते हैं और बुद्धिजीवी समझ से गलत रास्ते पर जाते हैं। नक्सलवादियों को मार्क्सवादियों की फैसला करने के लिए रात को आपको सुप्रीम कोर्ट को खोल देते हैं, और जब देश की रक्षा करना हो, देश की सुरक्षा करना हो, देश की नारियों को बचाना हो या देश के धर्म को बचाना, उनके पास समय नहीं मिलता। समय को टालते टालते 10-20 साल ले जाते हैं। तो एक विद्रोह है कि आप सब बदलो और नारी के आदर को, नदियों को संभालो और न्याय को अपने ऐसा करो कि सबके प्रति न्याय मिल जाए। इसके लिए लिखा है बेटा, अभी पूरी तरह से लिख रहा हूँ, एक छोटी सी एक बुकलेट है और पूरी तरह से सम्मेलन करूंगा बेटा कुंभ मेला में। इस बार ये चुना हूँ कि लोगों को जगाया जाए। जी तो बिल्कुल दर्शकों, आज के समय की अगर बात की जाए तो हमारे देश में बहुत ही ज्यादा विडंबना है नदियों को लेकर। नदी जिसे हम माँ मानते हैं, पानी गंगा यमुना सरस्वती कावेरी अलकनंदा, बहुत सारी नदियां जो हमारे लिए माँ का स्वरूप है, आज हमारे देश में उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। जगह जगह जहां हम देखेंगे तो नदियों में कूड़ा करकट है, नालों का पानी नदियों में गिर रहा है, लेकिन हम फिर भी नदियों को मां मानते हैं। हमें कोशिश करनी है, हमें एक पहल करनी है कि हम इन नदियों को स्वच्छ रख सकें, नदियों में सफाई रख सकें, नदियों को साफ रख सकें और जल प्रदूषण को रोक सकें। नारी, भारत एक ऐसा देश है जहां पर नारियों को पूजा जाता है, साल में 2 बार नवरात्र मनाए जाते हैं नारियों की पूजा के लिए, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां बलात्कार होते हैं, दहेज के लिए एक स्त्री को मारा जाता है, भ्रूण हत्या की जाती है। और इसीलिए गुरुजी ने एक पुस्तक लिखी है या एक पुस्तक लिख रहे हैं अभी भी, जिसमें उन्होंने नदियों पर चिंता जताई है, नारियों पर चिंता जताई है और नदी और नारी के लिए न्याय की मांग की है। और जब हम मिलकर नदी और नारी के लिए न्याय की मांग करेंगे तो एक ना एक दिन ये स्थिति जरूर सुधरेगी, और इसके लिए हम सबको आगे बढ़कर कार्य करना होगा। गुरुजी, आगे अगर बात की जाए आज के समय की, तो एक सही गुरु का चयन हमारे लिए बहुत जरूरी है। किस तरह से हम एक ऐसे गुरु का चयन करें जो हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन और हमारे गृहस्थ जीवन दोनों का संतुलन बनाए रखने में मदद कर सके, ये जानना चाहूंगी आप। मुश्किल है बेटा, आज के युग में मुश्किल है, क्योंकि हम मन के अधीन हो गए हैं बेटा। अब मन प्रिटेंड करता है बेटा, असली गुरु बनने के लिए कम लोग प्रयास करते हैं बेटा। प्रिटेंडिंग गुरु बनने के लिए, नकल करने गुरु बनने के लिए जिंदगी भर हम उन शास्त्रों को, उन कथाओं को नकल करके लोगों को समझा रहे हैं, मोक्ष मुक्ति के मार्ग दिखा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं बेटा। और एक झूठ को छिपाने के लिए हर आदमी अनेकों झूठ रोज बोलता चला जा रहा है। तो इस अवस्था में कौन असली गुरु है, बड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा। जब तक से अनुग्रह ना हो, कृपा ना हो, उन गुरुओं का आशीर्वाद ना हो, उनको पाना मुश्किल हो जाता है बेटा। क्योंकि इस समाज में आकर के उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जीना। हम 40 वर्षों से आए हुए हैं बेटा, हम क्या फेस करते हैं हमको मालूम है बेटा, कि संसार में कैसे जिया जाए। सच्ची बात करके भी उसको कवर करने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ता है। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो संसार में जीना मुश्किल हो जाता है बेटा। इसलिए आज के युग में असली गुरु को पाना, समझना बड़ा मुश्किल है बेटा, और असली गुरु को रहना बड़ा मुश्किल है, उन्हें भागना पड़ेगा। जब तक से वो अपने को अकेला नहीं ले जाएंगे तब तक से उनकी रक्षा नहीं है बेटा। उसके भी समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उनकी रक्षा हो सके, उनको समझौता करना पड़ेगा,
समाज के साथ, तो फिर उन गलत धंधों पर जाना पड़ेगा। इसलिए साधुओं में कुरीतियाँ आ गई हैं, हम किसी को साधु बना देते हैं, ये सबसे गलत नीति है। साधु बनाने के लिए उसकी पहचान होनी चाहिए, उसकी बैकग्राउंड को पीछे को देखना चाहिए, वो क्या करके आ रहा क्या नहीं। गुरु जी, बहुत मुश्किल है, आपने कहा कि आज के समय में इन चीजों को समझ पाना, लेकिन अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं और तब हम चाहते हैं कि हमें ईश्वर को पाना है, तो गृहस्थ जीवन में रहकर क्या ईश्वर को पाया जा सकता है? कहीं भी पा सकते बेटा, लेकिन सत्य से जुड़ना पड़ेगा। जब तक से हमारे वाणी में, रहन सहन में सत्यवादी नहीं होगा बेटा, तब से मुश्किल है। हमें आपको शरीर से मन से शुद्ध होना पड़ेगा। जब तक शरीर शुद्ध नहीं होगा, तब तक से हम जैसे एक माँ एक बच्चे को जब देखती है कि उसका बच्चा टट्टी पेशाब करके रो रहा है, तो भागती है, खाना पकाते छोड़कर भागती है, जाकर उसको उठाती है, धोती है, धो धा कर तब कपड़े गले लगाती है। ऐसे ही भगवान चाहता है कि हमें आपको मंत्रों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, गुरुओं की कृपा के माध्यम से हमें धो दें। जब तक से हम धोएंगे नहीं अपने आप को, तब तक से हम उस ईश्वर करीब नहीं जा सकते, बड़ा मुश्किल है। इस ईश्वर करीब पाने के लिए हमें पवित्र होना है, शुद्ध होना है, बुद्ध होना है। गृहस्थ और सन्यासी कोई फर्क नहीं पड़ता है, विचारों में परिवर्तन चाहिए बेटा। तो बिल्कुल दर्शकों, एक ऐसा जीवन जीना जहां आप बहुत सारे लोगों में रहते थे, बड़े बड़े लोगों में आपकी बैठचाल था, आप बातचीत करते थे, और एक ऐसा जीवन जीना जहां आपने अपने आप को ढूंढने की कोशिश की, ईश्वर को पाने की कोशिश की, अध्यात्म के जीवन से जुड़ गए आप, और आज लाखों लोगों के लिए गुरु जी कार्य कर रहे हैं। अपनी सेवा के माध्यम से गुरु जी लाखों लोगों का कल्याण कर रहे हैं, देश में ही नहीं विदेशों में भी गुरु जी ने ऐसे लाखों लोगों का उद्धार किया है जो डिप्रेशन में पूरी तरह से जा चुके थे, अपने जीवन को खत्म करना चाहते थे, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थे और चाहते थे कि बस अब मुक्ति मिल जाए। गुरु जी ने ऐसे लोगों को जीवन जीने की एक नई राह दी है, गुरु जी ने लोगों को जिंदगी जीने का एक सही रास्ता बताया है। इसके साथ ही गुरु जी ने अपनी चिंता व्यक्त की है नदी और नारी पर, और इसी के लिए गुरु जी अभी एक किताब लिख रहे हैं। संतों का जीवन हमें बाहर से जितना आसान और सरल दिखता है, अगर सही मायने में सही संत के पास आप जाएंगे, अब अगर आप उनके जीवन को देखेंगे, तो संतों का जीवन उतना ही मुश्किल आपको नजर आएगा। साधना करना, अपने परिवार को छोड़ना, सबसे दूर रहकर ईश्वर को पाना, इतना आसान नहीं होता। तो गुरु जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी और तमाम बातें बताई गुरु के बारे में, दीक्षा के बारे में, जीवन के बारे में, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी सिर्फ एक कोशिश है कि आप तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके कि संतों का जीवन किस तरह का होता है, किस तरह से वो अपने गृहस्थ जीवन, अपने परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर एक सन्यासी जीवन में आते हैं और उस जीवन को जीते हैं, ताकि वो देश का कल्याण कर सके, ताकि वो समाज का कल्याण कर सके। हमारे आज के विशेष कार्यक्रम संतों के साथ सीधी बात में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जय पारस चैनल। नमस्कार।